देश और प्रदेश की जनता एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रही है तो दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने में जुटी है। इस आपदा के समय लोगों के रोजगार पहले से ठप्प हैं, वहीं जनता को अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल 80 रुपये और डीजल 73 रुपये लीटर के पार पहुँच चुका है। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारी करने लगे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 1 रुपये 30 पैसे से लेके 1 रुपये 40 पैसे तक पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो तेल की कीमतें अभी भी धरातल पर हैं। इसका मुख्य कारण है कि सभी सरकारों ने COVID-19 की आड़ में अपने टैक्स में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। वृद्धि भी इतनी ज्यादा करी कि जो रेट 25 रुपए लीटर गिरने चाहिए थे वो नहीं गिरे और जनता को उसका फायदा नहीं मिला, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अगर देखें तो रेट काफी कम हो गए थे। आम आदमी को तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी काम धंधे है नहीं, लोग बाग जो है वो किसी के पास किसी तरीके का धंधा नहीं है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती है तो वो तो आम जनता के साथ में नाइंस